बीती देर रात भुरकुंडा बाड़े स्थित ग्राम में सैकड़ों साल पुरानी धर्मराज मंदिर में रखी चार मूर्तियां चोरी कर ली गई। सुबह खबर फैलते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। निरसा SDPO पीताम्बर खेरवार के नेतृत्व में पुलिस बल ने विधि व्यवस्था को नियंत्रित किया। घटना से आहत ग्रामीण पुलिस और प्रशासन के सामने विरोध करते नजर आए। उधर निरसा से BJP विधायक अपर्णा सेन गुप्ता भी पहुंची और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने पुलिस से फौरन चोरों को पकड़ने की अपील की। ग्रामीणों ने बताया कि बीती देर रात चोरों ने सालों पुरानी धर्मराज मंदिर में रखी चार मूर्तियां चोरी कर ली, लेकिन सुबह गांव के पास तालाब के किनारे तीन मिट्टी की खंडित मूर्तियां बरामद हो गई। अष्ट धातु की एक मूर्ति अब तक नहीं मिली है, उसकी तलाश चल रही है। ग्रामीणों ने खंडित मूर्ति के विशेष रूप से पूजा अर्चना कर मंदिर का शुद्धिकरण कराया और पुलिस से जल्द चोरी की गई मूर्तियों को बरामद करने की अपील की। और ये देखिए किस तरह से शुद्धिकरण कराया गया। जब मूर्तियां बरामद हुई, देर रात चोरी हुई थी मूर्तियां और फिर आज सुबह तालाब के पास खंडित मिली मूर्तियां, जिनको पूरे विधि विधान के साथ शुद्धिकरण कराया गया। मंदिर का भी शुद्धिकरण हुआ और तब इसकी स्थापना वापस की गई, लेकिन इन चारों मूर्तियों में से अष्ट धातु की मूर्ति अब तक बरामद नहीं की जा सकी है। BJP विधायक अपर्णा सेन भी वहां पर पहुंची और प्रशासन से अपील की है, पुलिस से अपील की है कि जल्द से जल्द मूर्ति चोर को गिरफ्तार किया जाए और अष्ट धातु की मूर्ति जो अब तक मिली नहीं है उसे भी बरामद किया जाए। ज्यादा जानकारी दे रहे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, मूर्तियां चोरी की गई और जो मिट्टी की मूर्तियां थी वो खंडित तो मिल गई, लेकिन अष्ट धातु की मूर्ति अब तक नहीं मिली है। पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा अपराधियों का? जी बिल्कुल आरती, जिस तरह से ये रात का मामला है और सुबह में जब इसकी जानकारी मिली है लोगों को, पंडित जब मंदिर में पहुंचे हैं, चूंकि धर्मराज मंदिर है, लोगों का आस्था बहुत इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। बहुत काफी पुराना मंदिर है, काफी साल, 100 साल अगर कहा जाए 100 साल पुराना मंदिर है और वहाँ पे धातु की मूर्ति स्थापित थी, चार मूर्तियां स्थापित थी और उसके साथ में कई मिट्टी की भी मूर्तियां थी जो रात्रि में चोर चुरा करके ले गए हैं। और उसके बाद से जब वहाँ लोगों के बीच गहमागहमी का माहौल बना, लोग एक दूसरे पे जो आरोप और प्रत्यारोप मारने लगे, उस बीच पुलिस वहाँ पहुंची है। पुलिस मामला को, स्थिति को संभालने के लिए वहाँ पहुंची, साथ में निरसा के जो विधायक है अपर्णा सिंह गुप्ता वहाँ पहुंची है और लोगों से ये अपील कर रही है कि शांति बनाए रखें, पुलिस अपना काम कर रही है। हालांकि पुलिस अष्ट धातु की मूर्ति को बरामद करने के लिए कई अहम सुराग तलाश रही है, क्योंकि खंडित जो मूर्तियां मिली है वहाँ कुछ सुराग भी उसको मिले हैं। पुलिस अभी कैमरे के सामने कुछ भी बताने से मना कर रही है। उनका कहना है कि जब तक आरोपी जो है, जो चोर है, वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ जाता है, लोग शांति बनाए रखें और पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि ये, क्योंकि लोगों के आस्था का विषय है, आस्था से जुड़ा हुआ है, इसको जल्द से जल्द उद्भेदन कर चोर को सामने लाया जाएगा। आरती, क्या अब ये जो लोग ये कह रहे हैं कि मिट्टी की मूर्तियां तो देखिए खंडित मिल गई, लेकिन चोरी की नियत अष्ट धातु मूर्ति की ही रही होगी राजेश, क्योंकि देखिए उन मूर्तियों को वैसे ही तालाब के पास छोड़कर और अष्ट धातु की मूर्ति लेकर फरार हो गए अपराधी? जी बिल्कुल आरती, जिस तरह से ये काफी पुराना मंदिर है, इसमें बहुत बेशकीमती मूर्तियां थी और चोर चूंकि उनको मिट्टी के मूर्ति से कोई मतलब नहीं था, धातु की मूर्तियां जो कीमती होती हैं उससे मतलब था, तो उसको उठा करके लेके चले गए और कहीं ना कहीं ये एक तरह बहुत बड़ी आस्था पे चोट है, क्योंकि चोर मूर्तियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं चुराने से और लोगों के आस्था से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उस आस्था के कारण लोगों ने वहाँ पे शुद्धिकरण के लिए मंदिर में पूजा पाठ भी किया है, आज दिन भर जम करके वहाँ पूजा पाठ हुआ है, ताकि जो आपद विपद अगर किसी पर आनी हो तो वो टल जाए, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है, लोगों को आस्था से काफी जुड़ा हुआ है, मान्यता है कि लोग वहाँ जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए भी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से लोग आक्रोशित हुए थे, पुलिस के समक्ष जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो लग रहा था कि ग्रामीण आक्रोश में है और कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाला, स्थानीय विधायक ने स्थिति को संभालते हुए जल्द से जल्द जो आरोपी है या जो चोर है उसको गिरफ्तार करने की बात कह लोगों को शांत कराया है। आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका राजेश। तो मूर्तियों की चोरी कर ली गई, कुछ
कीमती धातु या कुछ होगा उस तरह का, तो लोगों को लगा होगा। तो गांव के बीच में मंदिर है, तो साथ काफ़ी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं ठीक से, और अपने लोगों को लगाए भी हैं। और तालाब के पास कुछ पुराने 3-4 मूर्ति टूटा हुआ था, वो बरामद किया गया है ग्रामीणों के द्वारा, और भी हम लोग सबका सहयोग लेके जल्द इसका उद्भेदन करेंगे। गांव वालों से भी हम स्वार्थ बना के रखने के लिए बोलेंगे, धैर्य रखने के लिए बोलेंगे, कौन इस तरह से किया है, क्योंकि गांव का भी सपोर्ट का बहुत बहुत जरूरत पड़ता है, तभी हम प्रशासन या हम लोग कुछ मतलब आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए गांव से भी, गाँव वालों से भी, ग्रामीणों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग स्वार्थ को बना के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।